ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। कनेक्टिकट में कई ऐसे लोग हैं जो दूसरों की मदद करने के लिए अपने दरवाजे खोल देते हैं। May I come in? लेकिन जो बात वो नहीं जानते वो ये है कि वो ये दरवाजा दूसरी दुनिया के लिए भी खोल रहे हैं। यहाँ के हर कोने से ऐसे किस्से अमूमन सुनने को आते हैं जब इंसान अनजाने ही किसी दूसरी दुनिया के रूहों को इस दुनिया में इनवाइट कर लेता है और फिर उन रूहों से पीछा छुड़ाना नामुमकिन हो जाता है। हमारे शो के डायरेक्टर सुमंत रे ने कुछ ऐसे ही लोगों से बात की जिन्होंने ऐसी ही कुछ गलतियां की थी। आज की कहानी है कनेक्टिकट में रहने वाली कैथरीन की, जो अपने हस्बैंड के ट्रांसफर की वजह से वहां शिफ्ट हुई थी। Hi, I'm Catherine. Hi, Catherine. I'm Shumanto. So, Catherine, shall we start with the story? Yes. 5 साल पहले मैं अपने हस्बैंड और अपने बेटे के साथ नए घर में शिफ्ट हुई। 4 BHK, लवली गार्डन। सब कुछ बहुत अच्छा था। एक दिन मेरे हस्बैंड पैट्रिक मेरे 4 साल के बेटे जून के साथ खेल रहे थे। क्या हुआ जोन? बाहर कौन है? डैड, विंडो के बाहर एक लड़का है। अच्छा, कौन है? मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। डैडी, एक काम करो, उसको भी अंदर बुला लो हमारे साथ खेलने के लिए। कम कम एंड प्ले विद मी। उस समय पैट्रिक को लगा कि शायद ये एक इत्तेफाक था और जोन को कोई कंफ्यूजन हुआ है, लेकिन उसके बाद घर में अजीब अजीब आवाजें आने लगी। जोन, जोन, कौन है तुम्हारे साथ? मॉम, रॉबर्ट, वो मेरे साथ खेल रहा है। मैंने कल उसे अंदर बुलाया था ना। मैंने अपनी फ्रेंड से सुना था कि जो बच्चे अकेले होते हैं वो अक्सर इमेजिनरी फ्रेंड्स बना लेते हैं। मुझे लगा कि शायद ये जोन की कल्पना ही है। अच्छा, कैसा दिखता है रॉबर्ट? मॉम, उसके बाल हमारी तरह गोल्डन है और बेब वाली पैंट पहनी है। जोन ने जो डिस्क्रिप्शन दिया वो काफी प्रिसाइज था, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि इट्स नथिंग, बट ये तो सिर्फ शुरुआत थी। धीरे धीरे हादसे बढ़ने लगे। मैंने दीवार पे फोटो फ्रेम्स लगाए थे, वो सब बार बार अपने आप ही गिर जाते। पैट्रिक, पैट्रिक, यहाँ कोई है? पैट्रिक, ये फोटो फ्रेम्स फिर से अपने आप गिर गए। कैथरीन, हनी, मैं ऑफिस चला जाता हूँ और जोन स्कूल में होता है। तुम पूरे दिन घर में अकेली रहती हो ना, इसीलिए शायद तुम्हारे दिमाग में ये सब नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज ऑल राइट। लेकिन मुझे पता था कि अब ये मेरा वहम नहीं हो सकता और अब मुझे कुछ बड़ों की आवाज आने लगी। कौन कौन है वहाँ? कौन कौन है? सामने आओ। पहले जोन ने उन्हें इनवाइट किया और फिर मैंने उन्हें सामने आने के लिए। अनजाने में हमने दूसरी दुनिया के लोगों को अपनी जिंदगी में खुद ही बुला लिया। कैथरीन, कैथरीन। मैंने मुड़कर देखा, स्ट्राइप शर्ट, बिब पैंट्स और ब्लॉन्ड बालों वाला एक बच्चा मेरे सामने खड़ा था। उसके बाद उनके अटैक्स बढ़ने लगे। एक रात, हाँ, कौन है? कैथरीन, तुमने कुछ सुना? हाँ, बेड के नीचे कोई है, मैं देखती हूँ।
मैंने नीचे झांक के देखा तो ओह माय गॉड, पैट्रिक, पैट्रिक, वो बेड के नीचे है। कौन? रॉबर्ट। ये हमारा घर है। पैट्रिक, जोन, जोन अकेला है। मैं देखता हूँ। हमने भागने की कोशिश की पर दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। दरवाजा खुल नहीं रहा। शिट, ये खुल क्यों नहीं रहा? रॉबर्ट है जोन के पास। नो, पैट्रिक, जोन को बचाओ। वो रात हमारी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी, लेकिन ये खौफ का अंत नहीं था। कुछ दिन बाद मैं जोन को नहला रही थी और अचानक उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गई और मैंने जोन की शक्ल में रॉबर्ट को देखा। जोन, बेटा, बेटा क्या हो गया? मैं दौड़कर बाइबल लेकर आई। He that believeth and is baptized shall be saved. But he that believeth not shall be damned. And these signs shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils. They shall speak with new tongues. 18. They shall take out serpents. And if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick and they shall recover. He that believed and is baptized shall be saved. But he that believed not shall be damned. And these signs shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils. They shall speak with new tongues. They shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. कैथरीन, आपने ये पता करने की कोशिश नहीं की कि ये स्पिरिट है किसकी? अपने बेटे और हस्बैंड को बचाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार थी। मैंने उस घर के बारे में रिसर्च की और मुझे पता चला कि 1940 में इस घर में एक जर्मन फैमिली रहती थी। उनके 6 बच्चे थे जिनमें से 5 का मर्डर उनके ही फादर ने किया और उनमें से एक का नाम रॉबर्ट था। रॉबर्ट, वही जो जून को दिखता था? यस, वो जर्मन सेटन वर्शिपर था और उसके कल्ट और सेटन को खुश करने के लिए वो अपने बच्चों की कुर्बानी देता था। वो अपने 5वें बेटे को लेकर बेसमेंट में गया। नहीं, प्लीज 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 मेरे बच्चे को छोड़ दो। उसका आदेश है। नहीं, प्लीज प्लीज, तुम पहले ही मेरे 4 बेटों को मार चुके हो। प्लीज इसे छोड़ दो। फादर सेटन, आई कॉल यू फ्रॉम द डीपेस्ट पार्ट ऑफ माई हार्ट। I praise your name with every breath of my body. I worship you with every fiber of my being. You've shown me what true strength is. You have shown me what true love is. Out of the darkness, you came to show me the true light. My master, my father, and my friend. What a great gift that is. Hail to the king. Show me the way, Satan. Show me the way. उसने अपने बच्चे का गला काट के मार दिया और उसका खून पी गया। इसके बाद उन्हें एक और बेटी हुई, लेकिन इसके पहले कि उसका हस्बैंड उसे भी मार दे, वाइफ ने खुद ही जहर खा लिया और अपनी बेटी को भी दे दिया। सुमंतो रे ने दूसरी दुनिया के लिए दरवाजे खोलने वाली एक और फैमिली से बात की। वो फैमिली भी कनेक्टिकट में ही रहती थी।
हाय मर्सिया, मैं काफी देर से। सॉरी सुमंतो, इट्स जस्ट कि उस हादसे के बाद हमने घर में इतने लॉक्स लगाए हैं कि। इट्स ऑल राइट, मैं समझ सकता हूँ। मर्सिया, क्या आप अपने साथ हुए उस हादसे को मेरे साथ डिटेल में शेयर करने में कंफर्टेबल होंगे? या प्लीज हैव अ सीट। 2 साल पहले इन 2013 हम लोग इस घर में शिफ्ट हुए। यहाँ से मेरी मॉम का घर भी पास था, तो आई वॉज वेरी हैप्पी, सब कुछ अच्छा चल रहा था कि एक दिन मेरे पुराने घर की नेबर, जिससे मैं सिर्फ हाय हेलो करती थी, वो मेरे घर आई। जूली? मर्सिया? हाय, क्या हुआ? वो जोर जोर से रोने लगी। मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि हम इतने अच्छे दोस्त नहीं थे कि वो अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर करे। स्टिल मैंने उसे अंदर बुलाया। तुम रो क्यों रही हो? अंदर आओ। मर्सिया, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरे हस्बैंड ने एक कल्ट ज्वाइन किया है, और उनके कल्ट के मेंबर्स ने कहा है कि वो हमारे बच्चे को ले जाएंगे। कल रात हमने हमारे बच्चे के पैदा होने की पार्टी रखी थी, और वो लोग वहाँ आए और मेरे हस्बैंड को। मैं किसी तरह अपनी जान बचा के भागी। वो मेरे बेटे को भी ले जाएंगे। प्लीज प्लीज, क्या मैं यहाँ तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? मैंने उन्हें रहने की परमिशन दे दी, और फिर कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। घर की सारी घड़ियां बहुत तेज चलने लगी। चीजें अपने आप एक जगह से दूसरी जगह होने लगी। मुझे जूली पर शक हुआ कि हो ना हो ये उसके आने की वजह से ही हो रहा है। मैंने उसे घर से निकल जाने को कहा, लेकिन उसके जाने के बाद भी कुछ नहीं बदला। घर में नोट्स मिलने लगे, कभी बेड के नीचे, कभी सीलिंग पे, कभी किचन में। मुझे नोट्स का मतलब समझ में नहीं आ रहा था, पर मुझे पता था कि कुछ ठीक नहीं है। मैंने प्रीस्ट को बुला के घर की शुद्धि करवाने का फैसला किया, और एक फ्रेंड के कहने पर मैंने अपने घर में वॉइस रिकॉर्डर भी सेट किया। अगली सुबह प्रीस्ट आए, और उन्होंने होली वाटर हर कोने में डाला और प्रेयर्स किए। उनके जाने के बाद मैंने वो रिकॉर्डिंग सुनी, और जो मैंने सुना वो सुन के मैं इतना डर गई कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। And Jesus answered to him, "It is written, you shall worship the Lord your God, and him only shall you serve." Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your anger. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil. जब जब प्रीस की आवाज रुकती, मुझे उसकी आवाज सुनाई देती। कुछ दिन के लिए ये हादसे बंद हो गए, और फिर एक रात मैं अपने बेटे को, जो उस वक्त सिर्फ 6 महीने का था, उसको पालने में सुला के अपने रूम में आ गई। जैसे ही मैंने लाइट ऑफ की, उसके रोने की आवाज आई। मैं दौड़ के उसके रूम में गई, और देखा कि उसके पालने को किसी ने खींच के कबर्ड के पास रख दिया था। मैं समझ गई कि वो वापस आ गए हैं। मैंने उसे गोद में उठाया और अपने बेडरूम की ओर जाने लगी कि अचानक लिविंग रूम का टीवी ऑन हो गया। मैं लिविंग रूम में गई और मैंने टीवी ऑफ कर दिया, लेकिन मैं जैसे ही मुड़ी, अब मैं बहुत डर गई। मैंने अपने बेटे को लिया और घर के बाहर निकल गई। पूरी रात घर से बाहर रहने के बाद I decided कि अब बस, अब और नहीं, मैं इसका सामना करूंगी। मैं जूली से मिलने गई। जूली, जूली, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता था ना कि ये डीमंस मेरी लाइफ में भी आ जाएंगे? हाँ पता था, मैं यही चाहती थी। उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे थे,
और उसकी आईब्रोज भी नहीं थी। मुझे लगा कि मैंने खुद सेटन को देख लिया है। मैं कार की ओर भागी। God, no, please. कार स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? कुछ देर में मेरी कार स्टार्ट हुई तो मैं वहां से निकल गई, लेकिन रास्ते में ही मेरी कार क्रैश हो गई और I lost my son. मर्शिया और कैथरीन दोनों ने ही अनजाने में अपनी जिंदगी में दूसरी दुनिया के शैतानों को आने का इनविटेशन दे दिया था। पर जहां एक तरफ कैथरीन के घर आई ये शैतानी ताकतें उसके बेटे के शरीर में आ चुकी थीं, वहीं मर्शिया को वो ताकतें चीजों पर कंट्रोल करके अपनी ताकत का सबूत दे रही थीं। तो क्या ये शैतानी ताकतें हर किसी को अलग तरह से नुकसान पहुंचाती हैं, या कुछ ऐसा है जो ये ताकतें हमसे कहना चाहती हैं? आखिर क्या मकसद हो सकता है इनका? इस बारे में आप सोचिए।